जय हिंद। आइए अब हम लोग डिमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जानेंगे या पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इसके कुछ डिमेरिट्स, मैंने पहले ही कहा था कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। इफ देयर वेर सम एडवांटेजेस of any form of government, there were some also disadvantages in the same form of government। कहने का मतलब है कि अगर किसी सरकार में, किसी सरकारी व्यवस्था में या किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कोई अगर इसकी खूबियाँ हैं, कोई इसके अगर लाभ हैं, तो साथ साथ हानि भी साथ साथ चलता है। इसके कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएँ, कुछ लूपहोल्स भी साथ साथ चलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के कुछ डिमेरिट्स, इसके कुछ नुकसान के बारे में जानने का प्रयास करें। पहला इसका नुकसान है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल इन द सेंस, देखो यूएसए में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है 4 साल के लिए फिक्स है, वो चुने जाते हैं। ठीक है, अब 4 साल के बीच में उन्हें ना कोई हटा सकता है, वो रेयर ऑफ द रेस्ट होता है कि मतलब उनके पीछे उनको जो है अपीचमेंट मोशन के तहत उन्हें हटाया जाता है, लेकिन मूलतः इनकी जो टेन्योर है वो फिक्स है 4 साल। एक बार चुन लिए गए तो 4 साल फिक्स, और शायद आज तक वैसे एकाक ही वैसे होंगे कोई राष्ट्रपति अमेरिका का जो जिनका कि कह सकते हैं कि हटाया गया हो उनको। लेकिन भारत में क्या है या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि अगर आज आपकी मेजोरिटी है, ठीक है, और ये बहुमत पे सरकार टिकी होती है, और बहुमत खत्म तो सरकार डिजॉल्व, खत्म। अब जो अपोजिशन है, अगर उनके पास बहुमत है तो वो सरकार फॉर्म करे, अदरवाइज पूरे के पूरे जो है लोअर हाउस है उसे डिजॉल्व करके एक नया फर्दर फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते। तो इनकी जो अस्थिरता होती है ना, वो स्टेबल नहीं है, इसलिए अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इसे कहा जाता है कि इसके एक नैया कब डूब जाए ये उस नैया को चलाने वाले को भी पता नहीं है। हाँ, पता होता है कि जब वो पूरी बहुमत में होती है। हम मान लेते कोई ऐसी सरकार है जो बहुमत से मात्र 1 या 2 सीट आगे पीछे है, तो जो उसके कोलाइजन के मेंबर होते हैं वो अभी उसको डराते धमकाते रहते हैं कि भाई अगर मेरी बात नहीं मानी तो हम अपनी सपोर्ट जो है वापस ले लेंगे, तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। तो ये चीज़ें हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं होती अनटिल और अनलेस वो सरकार फुल मेजोरिटी में हो। इज दैट क्लियर? अगर कोलाइजन गवर्नमेंट है तब तो और नहीं है, डामाडोल है। आगे है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। देखो हर 5 साल में क्या होता है, भारत में चुनाव होता है। मान लो अभी तो 2 बार लगातार मोदी जी बन रहे हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस से पहले फिर बीजेपी थी, उससे पहले कभी भी जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, कोई कह सकते हैं कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट कोलाइजन गवर्नमेंट थी, उसके पहले कांग्रेस थी, या फिर कोई राज्य सरकार को देख लो तो डिफरेंट डिफरेंट सरकार की जो है सत्ताएं में आती रहती हैं, उसके मुख्यमंत्री बनते रहते हैं। तो जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं या जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं, जिस भी की सरकार बनती है, जैसे बीजेपी है, इसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है एज कंपेयर टू कांग्रेस। बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है? राम मंदिर बनाना है, धारा 370 हटाना है, कॉमन सिविल कोड लाना है, या फिर जो भी CAA वगैरह जो भी इसके नियम कानून है, या फिर जो भी इसका विजन है, जो भी इनकी आइडियोलॉजी है, जिस विचारधारा है, जिस फिलॉसफी, जिस दर्शन पर ये बिलीव करते हैं, उससे संबंधित ये नियम कानून अधिक बनाते हैं, या कहीं ना कहीं इन आइडियोलॉजी का जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उसका इफेक्ट होता है। बट कांग्रेस की इससे डिफरेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी की डिफरेंट है, आम आदमी पार्टी की डिफरेंट है, JDU की डिफरेंट है, और DMK की डिफरेंट है। तो डिफरेंट पार्टी की डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, और जो पार्टी सरकार और सत्ता में आती है, मेजोरिटी में आती है, और जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो जैसे अभी कांग्रेस बनी, UPA की सरकार रही 10 साल, अभी देखो बीजेपी भी जो है 10 साल अब इसका हो ही जाएगा, मतलब 2 टर्म। तो इनकी जो पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी, दोनों का डिफरेंसेस हो जाएंगे। बहुत सारे जो स्कीम इनके द्वारा लॉन्च किया गया, इनके द्वारा हटा दिया गया, ये अपना स्कीम लॉन्च, भाई अपनी सरकार है,
हमारा अपना विजन होगा, हमारा अपना पर्सपेक्टिव होगा, हमारी अपनी फंडिंग होगी, हमारे अपने तरीके होंगे उसे इम्प्लीमेंट करने का, उसका एक्सिक्यूशन का, हमारे अपने मंत्री होंगे। अब जब मंत्रिमंडल नया होगा, जब मंत्री नए लोग होंगे तो उसकी नई विचारधारा आएगी, समय के साथ सारी चीज़ें बदल जाती है, ठीक है। फिर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रहेंगे, वो नए होंगे, अगर वो नए होंगे तो नए नए वो अपने पॉइंट्स रखेंगे, उस आधार पर नियम कानून बनते हैं। तो इसकी जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी है, कोई भी जब एक बार नीति बना दी जाती है तो वो होती है शॉर्ट टर्म, होती है 5 सालों के लिए ही मान के चलो, या फिर जब तक उसकी सरकार रहती है तब तक। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर मेजर्स उठाने हो और स्टेप्स लेने हो तो फिर इसमें नहीं आता, ये कंटिन्यूटी ही इसकी नहीं रहती, ये बरकरार नहीं रख पाते। क्लियर हो गया? तो नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, कोई नीतियां का जो है कंटिन्यूटी नहीं रहता, कंटिन्यूशन नहीं रहता, बिकॉज इच एंड एवरी टर्म जो है 5 साल के बाद सरकार नहीं भी बदले, अगर जैसे बीजेपी की ही सरकार है तो आधे से अधिक मेंबर जो है नई चुन के आते हैं। अब नए मेंबर हैं तो उसकी नई फिलॉसफी होगी, नई आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी तो वही होगा लेकिन उनके पॉइंट्स, कोई भी चीज़ों को देखने का एक नज़रिया डिफरेंट, मेंबर्स का डिफरेंट, इंडिविजुअल का डिफरेंट होगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बदलते हैं तो एक कोई भी जो लोकसभा में बिल पारित कह सकते हैं नहीं होता है या जो पेंडिंग रहता है वो लैप्स कर जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं पॉलिसी की कंटिन्यूशन, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होते हैं ना वो इसमें अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। आगे है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की डिक्टेटरशिप भी इसे लोग कहते हैं कि कैबिनेट के कुछ ही मेंबर होते हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का, उसमें भी जो किचन कैबिनेट के लोग होते हैं, बाद में कभी डिफाइन करेंगे, अलग से डिफ्रेंशिएट बिटवीन करेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और किचन कैबिनेट, ठीक। तो इनकी जो है डिक्टेटरशिप होती है, मतलब तानाशाह एक प्रकार से, जो कैबिनेट ने निर्णय ले लिया वो ले लिया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कैबिनेट ही सर्वेसर्वा है, सरकार जैसे सबको मिलाकर बनाया जाता है बहुमत जो है। लेकिन ये फिजिबल भी नहीं है कि हर एक जितने भी मेंबर से उसे पूछा जाए कि ये सही है, ये पॉलिसी हमने बनाया कि गलत तो नहीं है, ये इसके बारे में आप राय दे, इवन तो सबसे पॉसिबिलिटी भी नहीं है। इतने बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था, इतनी बड़ी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन, इतने मेंबर्स उसमें चुन कर आते हैं, तो एक 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 प्रकार से इसकी आलोचना भी करी जाती है कि कैबिनेट अगर चाहे तो डिक्टेटरशिप स्थापित कर दे, जैसे इंदिरा गांधी में इमरजेंसी लगा दिया गया, राजीव गांधी, मतलब एक प्रकार से जो बहुमत में जो सरकारें एक बार आ गई तो कुछ भी कर सकती है, इसका एक मतलब आलोचक जो होते हैं इसमें इसकी आलोचना करते हैं कि अगर फुल मेजोरिटी के साथ है। लेकिन इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में बहुत बार ऐसा कहा जाता है और कहा, ये रियलिटी है कि जब वो इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने कैबिनेट का अप्रूवल नहीं लिया और कैबिनेट में कई लोग इसे डिसएग्री भी कर रहे थे, जो बाद में इसकी अगर कैबिनेट मीटिंग जो बुलाई गई थी। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप हो सकता है कैबिनेट का, कि कैबिनेट अगर चाहे तो रात को दिन करते और दिन को रात कर दे। क्लियर हो गया? अगर वो फुल मेजोरिटी में हो तो। आगे है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होता है ना, तीनों विंग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों का पावर जो है, शक्ति जो है, फंक्शंस जो है, रोल जो है, वो क्लियरली डिफाइंड है और सेपरेट है। बट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह इसका डिमेरिट है एक प्रकार से, आलोचक कहते हैं, आलोचना करते हैं कि अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ द पावर, जो पावर और शक्ति का जो विभाजन है वो सही तरीके से या स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, ठीक है। आगे है पांचवा है गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि गवर्नमेंट सरकारी सत्ता में आती है लेकिन बहुत सारे इसके मिनिस्टर वगैरह जो होते हैं ना, मिनिस्टर, वो जो हैं अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते, किन्हीं को भी उठाकर कोई भी मंत्री बना दिया जाता है, या फिर कुछ लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्रिमंडल में मिनिस्टर होते हैं जो कभी खेल मिनिस्टर रहे, आज उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, जो कभी फाइनेंस मिनिस्टर रहे कल उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, कल जो होम मिनिस्टर थे कल उनको कोई और मिनिस्टर बना दिया। तो एक प्रकार से वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते, अपने डोमेन के एक्सपर्ट नहीं होते, इन दैट केस वो जो है एक प्रकार से एमेच्योर गवर्नमेंट होती है, परिपक्व नहीं होती, अपरिपक्व होते। क्लियर हो गया? तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसके डिमेरिट्स हैं।
कहते हैं, मतलब एक प्रकार से आलोचक जो है इसकी आलोचना करते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की क्या क्या क्रिटिसिजम्स हैं या फिर क्या क्या इसकी आलोचना है या क्या क्या इसकी नकारात्मक पहलू हैं या सीमाएं हैं, इसकी बाध्यताएं हैं। ठीक है, तो ये दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट बाई एमेच्योर्स, अपरिपक्व लोगों का एक संगठन और समूह जो कि सरकार में आ जाते हैं, और होती है सरकार के पास भी एक सीमाएं हैं कि भाई आपको इतने लोगों में ही, मतलब जो मेजोरिटी के मेंबर होते हैं उसमें भी वो लोग जो आपके अधिक करीब हैं, आपके अधिक विश्वसनीय हैं, उन्हीं को आप मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। सबको नहीं मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, जो अधिक आपके विश्वसनीय हैं, आपके अधिक नज़दीक हैं, आपके अधिक चाहने वाले हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द कैबिनेट मिनिस्टर। और किचन मिनिस्टर तो उसमें भी वो लोग होते हैं, दो चार लोग जो होते हैं, एकदम घनिष्ठता होती है जिसमें कि हर एक निर्णय एक दूसरे से पूछ कर लिया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इज डेट क्लियर? एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देना चाहता हूँ, अनस्टेबल गवर्नमेंट, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट बाई एमेच्योर्स। सो डेट्स ऑल, थैंक यू, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.